Hi, my name is Alzia. I'm into my early 20s. I make YouTube videos because I like it. I like to share my journey, my life with beautiful people like you. So, ab yahan aa hi gaye ho to do know me, try to be a part of my life, and do like, comment, share, subscribe, and to the old people, welcome back to my channel. So, let's roll on. Hi all, ये मौसम देखिए. तो आप लोग मौसम देख सकते हैं, शाम नहीं हो रही है फिलहाल. इट्स नॉट दैट लेट राइट नाउ, बट फिर भी कैसे हवाएं पत्तों को हिला रही है. एंड यू कैन हियर द ट्रेन साउंड्स. सी, लेट मी रेडी फॉर मूवी. कितना फेस डल दिख रहा है बिकॉज ऑफ द शेडो, नो सनलाइट. तो मैं मूवी लोकेशन पर आ चुकी हूँ. यहाँ पे पैसे दे के पार्किंग करनी पड़ती है, मतलब पार्किंग भी फ्री नहीं है ऑल दो वी आर पेइंग फॉर द मूवी टिकट. आपको क्या लगता है, पार्किंग फ्री होनी चाहिए या पेड एट द थिएटर्स? आई थिंक इट शुड बी फ्री बिकॉज वी आर कमिंग टू वॉच द मूवी ना. देखो ये लाइट फ्लिकर कर रही है ऊपर, बड़ी अजीब लग रही है. एनी वेज अब जो है जैसे है वैसे ही रहना पड़ेगा. थोड़ा बहुत गीला है बिकॉज बारिश थी कुछ दिनों से. एंड दिस वॉज माई मूवी डेस्टिनेशन, मिराज सिनेमाज, और वी कैन से ईपी. So going into the movie theater, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है. होप आई एम नॉट लेट, बट आई एम नॉट दैट अर्ली. आई एम डॉट ऑन टाइम इन जनरल, हमेशा की लेट लतीफिया मेरी. एंड गेस वॉट विच मूवी आई एम गोइंग टू वॉच? या इट इज़ पठान. तो लेट्स गो ऑन. मैं जब छोटी थी ना, मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखती थी. मी एंड माई फैमिली यूज़ टू गो रेयरली टू द मूवीज, लाइक वंस और ट्वाइस अ ईयर. व्हेन आई ग्रू अप एंड केम आउट ऑफ द सिटी एंड आई मेट न्यू फ्रेंड्स एंड आई could afford it, I mean. So I used to go to movies and now I have the confidence to go to movie alone and it's too good, I mean. So काफ़ी families आई हुई movie देखने, that's good. And if haven't already, please subscribe to my channel, press the bell icon and keep engaging with my videos. Bell icon इसलिए ताकि आपको notifications मिलती रहे और सबसे पहले मेरी videos आप तक पहुँचे. Well, it was too dark. I had to find my seats. मैंने पीछे वाली सीट ली थी for the best view, and it was good. Honestly, it was good. Seats and यहाँ last वाली जो सीट है, दादी, और कौन कौन रिश्तेदार होते हैं? मुझसे मिलने कौन आ रहा है? It's very comfortable situation. चलो, निकलने का time हो गया. I got something to eat. यार मूवी थिएटर्स में खाना इतना महंगा क्यों होता है लिटरली, बट बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिला. एंड आई गॉट सम डिस्काउंट. एंड दैट्स द सॉन्ग जिसने कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की थी. वेल, शी डिडंट स्पीक मच अबाउट इट राइट नाउ. एंड इंटरवल में इतनी ज़्यादा भीड़ थी. वैसे ये जो ऊपर डिज़ाइन है, इट्स टू प्रेटी, आई मीन इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. अगर आप अपने घर में लगवाएं तो इट गिव्स अ रॉयल फील. एनी वेज, गोइंग बैक टू द थिएटर इन साइड, क्योंकि लंच ब्रेक शायद बहुत लंबा नहीं होता, होता भी है तो हु वॉन्ट टू मिस अ ऐसा के मूवी यार. ओके, लेट्स गेट इनटू द मूवी. मुझे लगा नहीं था कि बहुत लंबा ब्रेक आएगा, बट ब्रेक काफ़ी लंबा था कि मुझे अंदर बैठ के फिर से दोबारा काफ़ी सारे ट्रेलर्स देखने पड़े. सो आई डिसलाइक दैट. वैसे मुझे लगता है ना, देर शुड बी एन अलार्म फॉर दैट कि मतलब आपका इंटरवल ओवर हो गया, लेकिन बेसिकली फिर औरों को डिस्टर्ब भी तो होगा और पता कैसे चलेगा कौन से थिएटर का कौन सा अलार्म था. अलग अलग ट्यून होती तो भी काम चल जाएगा. वैसे देखो कितना डस्की फेस लग रहा है लो लाइट में. ऑफ माई कैमरा कुडंट कैच माई ब्यूटी इन अंधेरा. एंड देयर इज़ अ फाइट सीन ऑफ ओह, पता है ये ना 4 साल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3-4 साल बाद शाहरुख खान की कोई मूवी आई है. एंड बूम, द कैमियो वी ऑल वर वेटिंग फॉर. सॉरी टू स्पॉइल योर मूवी, बट या देयर इज सलमान खान इन टू इट. सो वन थिंग, यशराज फिल्म्स इज ट्राइंग टू मेक अ स्पाईवर्स, जैसे मल्टीवर्स होता है या मार्वल यूनिवर्स होता है, वैसे स्पाई यूनिवर्स. तो कबीर, टाइगर एंड पठान ये तीनों एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है. एंड एक ही यूनिवर्स का हिस्सा होना मतलब एक ही दुनिया का हिस्सा, यानी ये तीनों टाइमलाइन साथ में है. अ स्लाइट रेनी एंड टू द डे, थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट सम ड्रॉपी फ्रेकल्स, बट कोई बात नहीं, इट्स प्रेटी वेदर. सर्दियों में बारिश, आई हेट इट ऑल दो, बट ठीक है, मतलब ऐसा है कि फील भी नहीं हो रहे हैं ड्रॉपलेट्स, बट ज़मीन गीली है तो ऑलमोस्ट बारिश. तो गाइस, दिस वाज एंटरटेनमेंट पैराडाइज फॉर यू. आई वॉच्ड द मूवी इन ईपी. तो मुझे मूवी पसंद आई, मेरा पर्सनल रिव्यू. हाँ, थोड़ा सा नॉर्मल मसाला है जैसा मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, बट क्या करें, आजकल बॉलीवुड में वही चलता है.
एंड बेसिकली काफ़ी थ्रिलर था, सस्पेंस था, तो इट वॉज समथिंग न्यू, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है बट फिर भी कोऑर्डिनेटेड है. तो यू मस्ट गो एंड वॉच इफ नॉट ऑलरेडी. एंड फिर भूखे पेट थोड़ी कोई घर जाता है, एंड बिना खाए मेरा काम थोड़ी चलता है. तो आई वॉज एट मैकडी. तो ये ना मतलब ऐसे मशीन है जिससे ऑर्डर कर सकते हैं. आई होप आपकी सिटी में भी आ गई हो, मे बी पॉसिबल. तो इट मेक्स द प्रोसेस वेरी कन्वीनियंट. आप यहाँ खड़े होकर ऑर्डर कर दो, टेबल नंबर डाल दो, या फिर एट द काउंटर चेकआउट कर लो. एंड इट्स अ क्यूट बेबी फॉर यू. इट्स बीन अ वाइल सिंस आई विजिटेड मैकडी. सो थोड़ा बहुत डेकोरेशन है. आई थिंक ये इंडिपेंडेंस डे का स्टैंड ही है, एंड ये इंडिपेंडेंस डे के कलर में मैकडी का है. तो मेरा रेगुलर ऑर्डर मैकालू टिक्की एंड मैकपफ. इफ यू लाइक पिज्ज़ा पफ बोलते हैं, मैकपफ बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक इट्स मैकपफ. तो मैं मोस्टली यही क्यों खाती हूँ, क्योंकि मैंने कई बार कुछ अलग चीज़ें ट्राई करके देख ली है एंड दे डिसअपॉइंटेड मी. एंड सीधे पत्री का गेट कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रही है. बट आई डोंट नो वाई पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विद कंस्ट्रक्शन. जहाँ देखो वहाँ, जब देखो तब कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है. एनीवेज, अगर यहाँ तक आ गए हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डू प्रेस द बेल आइकन. बाय बाय.